वैष्णवी इजी लाइव में आप सबका स्वागत है। आज मैं टमाटर का पुलाव बनाऊंगी। इसे टमाटर चावल भी बोलते हैं और टमाटर का पुलाव भी बोलते हैं। ये झटपट बन जाता है और बहुत टेस्टी भी होता है। ये बिरयानी का चावल है, थोड़े बड़े साइज का। जैसे आपका चावल बच जाए तो वो चावल यूज कर सकते हैं, ठंडा चावल टूटता नहीं है। हमने इस कप से 1 कप चावल ले लिए और 2.5 से 3 कप पानी लेकर चावल को हम उबाल लिए। ये है, उबाल कर ठंडा कर लिए। ये चावल हमारा ठंडा हो गया है। इसके लिए हम ये 5 टमाटर ले लिए हैं, 1 प्याज ले लिए हैं, बारीक कटा धनिया, 1 नींबू, थोड़ी सी मटर लेंगे, करी पत्ता, जीरा तड़के के लिए, घी से तड़का लगाएंगे, गरम मसाला, और ये लाल मिर्च है, और ये है अदरक, 3 हरी मिर्ची है, और लहसुन है, और नमक, इसमें नमक है। टमाटर का और लहसुन अदरक हरी मिर्ची का हम पेस्ट बनाएंगे। टमाटर ऐसे छोटा छोटा 2 टुकड़ा या 4 टुकड़ा करके इसमें हम डाल लेंगे। हम टमाटर इसमें डाल लिए काट के, और ये लहसुन इसमें डाल देंगे, हरी मिर्ची भी है इसे डाल देंगे, अदरक डाल देंगे। इसको हम मिक्सी में पीस ले रहे हैं। और हम ये सब्जियां काटने से पहले धो लिए थे, प्याज भी धो लिए थे, सारी सब्जियां धो लिए थे, और ये चावल पकाते समय हम धो लिए थे। 4-5 बार पानी से धोएं, जब तक इसमें सफ़ेद सफ़ेद पानी निकले तब तक धोएं। टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट हम बना लिए, पीस लिए, और इस प्याज को बारीक काट लेंगे। प्याज को भी काट लिए, गैस ऑन कर लिए, इसमें हम घी डाल देंगे, मेल्ट होने देते हैं घी को। घी गर्म हो गया, जीरा डाल देंगे इसमें, थोड़ा जीरा को कलर ब्राउन होने देते हैं। ये करी पत्ता है, इसे डाल दे रहे हैं और थोड़ा भून लेंगे। करी पत्ता भी पक गया, प्याज डाल के इसे लाइट ब्राउन होने तक हम भून लेंगे प्याज को। हल्का सा नमक डालेंगे ताकि प्याज हमारा जल्दी से पक जाए। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया, ये मटर डाल देंगे, इसको हम 1 मिनट पकाएंगे जिससे थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि चावल हमारा पका हुआ है तो मटर थोड़ी पकानी पड़ेगी। और ये ज़रूरी नहीं है आपको जो मसाले या जो सब्जी हम डाले हैं मटर वही आप डालें, आपको जो पसंद हो वो मसाले डाल सकते हैं, मैगी मसाला, पास्ता मसाला, पाव भाजी मसाला, कुछ भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा ढक के पकने देते हैं, देखते हैं मटर को। मटर थोड़े से पक गई है, अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। 3 हरी मिर्ची डाले हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस मसाले को हम भूनेंगे अच्छी तरह से। जब ये मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तब और मसाले डालेंगे। ये टमाटर भून जाएगा तो, जब टमाटर अच्छी तरह से भुनेगा तभी तो ये टमाटर पुलाव जो है इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। इसे हम लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। मटर भून लिए थे हम, और ये अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट इतना अच्छे से भूने कि अच्छा टेस्ट आए। और आप जो मसाले लाइक करें वो मसाले डाल दें। हम ज़्यादा सब्जियां इसलिए नहीं डाले, टमाटर पुलाव बना रहे हैं या टमाटर चावल, इसलिए हम टमाटर ही ज़्यादा डालें। अगर आप और टमाटर लाइक करते हो तो और डाल सकते हैं। मसाला भी हमारा भुना नहीं है, 2-3 मिनट और भुनेंगे। ये टमाटर और प्याज मटर वगैरह हम अच्छी तरह से भून लिए हैं। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं, ना पीसना चाहें तो। टमाटर भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, अगर ना पीसे तो कोई बात नहीं, वैसे भी डाल देंगे। जब टमाटर थोड़ा गल जाएगा, नमक डाल देना, गल जाएगा तो ऐसे कर देंगे आप चम्मच से, तो टमाटर एकदम बारीक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पीसना है आपको। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे।
ये लाल मिर्च है, ज्यादा तीखा ना खाना चाहें तो ना डालें, अपने टेस्ट अनुसार डालें। ये गरम मसाला है, इसमें भी काली मिर्च रहती है, ये भी तीखा होगा। और ये हम आपको दिखाए नहीं थे मसाले के साथ, ये पास्ता मसाला है। मैंने अभी बोला ना कि आप मैगी मसाला, पास्ता मसाला या पाव भाजी मसाला, कोई भी मसाले आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। इसे 1 मिनट हम भूनेंगे। अभी ये सारे मसाले हमारे भून गए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि कढ़ाई का तलक हो रहा है, मसाला तेल भी छो रहा है। अब जो हमें उबाल कर चावल रखे थे पका कर ठंडा कर लिए हैं, इसको डाल देंगे इसमें और मिक्स करेंगे। आप जितना चाहे उतना चावल बना सकते हैं और ठंडा कर लें, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कुकर में बनाएं, ऐसे सारे मसाले भून लें जैसे हम भूने हैं। सारे मसाले इस तरह से भून जाएं तो ऐसे कच्चा चावल आप धोकर 10-15 मिनट तक उसे भिगा कर डालकर कुकर में एक सीटी लगा के गैस बंद कर दें और सीटी अपने आप निकल जाने दें, तब कुकर खोलें। और इस चावल में हम मसाले मिक्स कर ले रहे हैं और इतना आराम से चावल के चलाओ ये टूटे ना, बहुत आराम आराम से ये मसाले हम मिक्स कर ले रहे हैं। आप गैस एकदम स्लो रखें और ऐसे आराम से चावल को इस मसाले में, टमाटर के मसाले में मिक्स कर लें। सारे मसाले तो हम मिक्स कर दिए पर नमक डालना भूल गए। नमक हम अब डाल के मिक्स करेंगे। नमक आप उस टाइम डाल दें जब टमाटर के मसाला तैयार हुआ, टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे। अब तो नमक को बहुत आसानी से मिलाना पड़ेगा, चावल टूटे ना हमारा। नमक भी मिक्स कर लिए, चावल पकने के बाद नमक मिक्स करना मुश्किल होता है, हम तो भूल गए थे। मसाले में ही नमक डाल दें, चाहे आप चावल पहले पकाएं तो चावल उबालते समय डाल दें। अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में। टमाटर चावल बहुत बढ़िया बना है, एक एक चावल अलग है, आप देख सकते हैं। इसमें हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और एक नींबू काटेंगे। हम नींबू भी रख दिए हैं, आप अपने टेस्ट अनुसार नींबू छिड़क लें। और ये प्याज है, आप चाहें तो दही के रायता के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आप लाइक करते हो। प्याज भी रख दिए हैं, अगर नींबू ना पसंद हो तो जब टमाटर के मसाला हम तैयार किए भूनते समय उस वक्त आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं चावल कितना खिला खिला बना हुआ है। इस तरह से आप बनाएं और खाएं, अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपका ये मटर पुलाव यानी मटर का चावल कैसे बना, यदि यह पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, लाइक और शेयर भी करना, बेल आइकन बटन भी दबा लेना ताकि नई रेसिपी आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच जाए।